गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर एकेडमी, अनदर सेशन। डेट है आज 9 जुलाई और शाम के बज रहे हैं 6:30। इस पूरे वीक हम सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई गिफ्ट शेयर नहीं है। और पूरे वीक के बाद जब हम कुछ अच्छे शेयर्स ढूंढ कर निकाल लाएंगे, तब शुरू करेंगे आपको गिफ्ट शेयर देना। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें बिल्कुल अभी अभी ज्वाइन किया है और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नाम है शेयर एकेडमी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और वीडियोज़ को कीजिए लाइक शेयर और कमेंट, सिर्फ तभी जब ये वीडियोस आ रहे हो आपको पसंद, या फिर इन वीडियोस से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो और आपके पोर्टफोलियो में आ रही हो स्ट्रेंथ। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, शर्त सिर्फ एक ही है जो हम हमेशा बताते हैं आपको, वो ये है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर या फिर ऑप्शन ट्रेडर हैं और इस संबंध में किसी तरह की कोई मदद चाहते हैं, तो ये चैनल आपकी मदद नहीं कर पाएगा। हम यहाँ पर शेयर्स को करते हैं थॉरली एनालाइज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर, और उसके बाद खरीद की सलाह देते हैं मिनिमम पोजीशंस वीकली बेसिस पर और मैक्सिमम ईयरली बेसिस पर, या फिर उससे भी लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो मेंटेन करने की सलाह देते हैं। हम ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते, गैम्बलिंग स्पेकुलेशंस बिल्कुल दूर रहते हैं इससे। हाउएवर, ऑप्शन चेन एनालिसिस हम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए करते हैं फ्रेंड्स। सो शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है बेहद इंपॉर्टेंट, और सेशन है फ्रेंड्स जो हमारे सेक्टर एनालिसिस की सीरीज़ है। इसी सेक्टर एनालिसिस की सीरीज़ में अगला सेक्टर आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बजट के बाद पीएसयू सेक्टर एनालाइज किया था, पीएसयू बैंक्स स्पेशली, और उनमें से कौन से बैंक्स थे जो करंटली चार्ट पर खरीदने लायक थे इसके बारे में आपको जानकारी दी, और उसके बाद ऑटो सेक्टर, और ये दोनों पसंद आए लोगों को बहुत ज़्यादा, और लोगों ने कहा कि कुछ और भी सेक्टर्स अपने कमेंट्स में लोगों ने हमें बताया कि कुछ और सेक्टर्स का भी एनालिसिस कीजिए। आई ओपनिंग सेशंस थे ये इनके लिए। सो आज जो हम सेक्टर लेकर आए हैं फ्रेंड्स, वो भी बहुत ही खास है, और सेक्टर है फार्मास्यूटिकल। आप में से ज़्यादातर लोग जब लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि करंटली हम मार्केट में ज़्यादातर कॉल्स को अवॉइड कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं हमसे कि एक शेयर पर खरीद या बिकवाली की राय, और हम ज़्यादातर शेयर्स अवॉइड कर रहे हैं फ्रेंड्स। उसकी वजह यही है कि इकॉनमी की हालत ख़राब है, ज़्यादातर सेक्टर्स और सेक्टर के ज़्यादातर शेयर्स डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, और ये जो हमारा सेक्टर एनालिसिस का वीडियो है ये आई ओपनर है आप सभी के लिए। जब आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ज़्यादातर शेयर्स वाकई डाउन ट्रेंड में और अवॉइड करने लायक हैं। ऑटो सेक्टर के 12 के करीब दिग्गज शेयर्स सारे के सारे डाउन ट्रेंड में और पूरी तरह से अवॉइड करने लायक थे। ओके, सो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का सेक्टर एनालिसिस, जिसके अंदर हम ले रहे हैं निफ्टी फार्मा, और निफ्टी फार्मा के ये सारे शेयर्स फ्रेंड जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं एनालिसिस के लिए, नाम है ट्रेड टाइगर, वर्जन है 2.5, बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है। अगर आप में से कोई टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहता है या फिर अपनी कॉस्ट जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ओके, हम ये मानकर चल रहे हैं फ्रेंड्स कि आपके पास में टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा बहुत नॉलेज है। अगर ऐसा नहीं है तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए और इससे पहले चले जाइए वीडियोज़ की हमारी लर्न टू अर्न सीरीज़ में, जो ये हमने लर्न टू अर्न सीरीज़ दी थी। इसके अंदर जो भी ये वीडियोज़ हैं इन्हें सीरियल से देख लीजिए, 17 वीडियोज़ हैं, और आपको क्लियर हो जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करनी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, सो शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे पहले चार्ट लेआउट कर लेते हैं। जिस चार्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये है कैंडलस्टिक पैटर्न, और वो भी डेली का कैंडलस्टिक, यानी एक कैंडल जो है ना ये एक दिन का मूवमेंट दर्शा रही है। ओके, सेकंड चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है वॉल्यूम, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बिना वॉल्यूम के कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। देन मूविंग एवरेज लेंगे, दो मेजर मूविंग एवरेजेस, जिसमें कि एक 50 डेज और एक 200 डेज का। इसके अलावा ADX और ले लेते हैं, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स 30 डेज का, सारी वैल्यूज एक्सपोनेंशियल के अंदर। इनके अलावा फ्रेंड्स आप चाहें तो हजारों तरह के इंडिकेटर्स हैं, जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है। ओके, सो जो शेयर्स निफ्टी फार्मा के अंदर हैं, इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो निफ्टी फार्मा इंडाइसेस है इसके अंदर, उनमें है ऑरो फार्मा, बायोकॉन, कैडिलैक हेल्थ, सिप्ला, डीवीज लैब, डॉक्टर रेड्डी, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन, PEL और सन फार्मा। और इसके साथ सिर्फ एक शेयर हम और ऐड कर रहे हैं, और आपको बाद में बताएंगे कि ऐसा क्यों है। आप में से वो लोग जो हमारे लर्न टू अर्न सीरीज से जुड़े हुए हैं और रेगुलर हमारे व्यूअर हैं, उन्हें पता है कि सुवेन लाइफ साइंसेस को हम यहाँ पर क्यों ऐड कर रहे हैं। तो हमने सुवेन लाइफ साइंसेस को यहाँ पर क्यों ऐड किया है ये जानने के लिए इसे लास्ट तक देखते रहिएगा। ओके, सो शुरू करते हैं ऑरो फार्मा। ध्यान से देखिएगा चार्ट को, निचले स्तरों से ऊपर जाते हुए शेयर, बोनस इशू किया शेयर ने कंपनी ने 2015 में, और उसके बाद से एक बहुत बड़े दायरे के अंदर शेयर ऑलमोस्ट झूलता रहा। सबसे बड़ा दायरा क्या था, 600 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में। ओ, करंटली शेयर ने अपने सबसे हाईएस्ट लेवल जो कि 800 रुपए के करीब थे वहां पर रेसिस्टेंस लिया। ये मल्टीपल रेसिस्टेंस है शेयर जो ले रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे करके शेयर नीचे आना शुरू करता है। वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन मिलता है,
200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आता है। ये जो रेड लाइन है ये 200 डेज मूविंग एवरेज है, और जो ग्रीन लाइन है ये 50 डेज मूविंग एवरेज है। अगर आपको नहीं पता है कि मूविंग एवरेजेस क्या है, हमारे वीडियो सीरीज में चले जाइए, मूविंग एवरेज का एक वीडियो है, उसे ध्यान से देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। ओके, सो शेयर करंटली 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल नजदीक है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के 573 के पास। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्या इसे इस लेवल पर बाय कर लेना चाहिए? आंसर है नहीं। क्यों? जब तक शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है तब तक फ्रेश बाय नहीं करनी है। बट कुछ लोग कहेंगे कि शेयर तो अपने सपोर्ट जोन के पास में है और सपोर्ट जोन के पास शेयर में बाय करना चाहिए, यह टेक्निकल एनालिसिस का एक रूल है। गलत। कभी भी शेयर को उसके सपोर्ट जोन के पास बाय नहीं करना है। जब भी शेयर ऊपर से गिरते हुए सपोर्ट जोन के पास सपोर्ट ले, कंसोलिडेट हो और अप ट्रेंड शुरू कर दे, तो हमेशा शेयर को अप ट्रेंड शुरू करते समय बाय करना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऊपर से गिरता हुआ शेयर सपोर्ट जोन पर आकर रुक ही जाए। कई बार शेयर सपोर्ट जोन को ब्रेक करके और नीचे की तरफ चाल रिज्यूम कर देता है, उस हालत में शेयर नीचे गिरना शुरू कर देता है, तब आप क्या करेंगे? इसलिए जो ये आपको सिखाया जाता है कि सपोर्ट पर शेयर बाय करना और रेसिस्टेंस पर शेयर सेल करना, ये पूरी तरह से सही नहीं है। ओके, सो करंटली ऑरो फार्मा है डाउन ट्रेंड में, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। ADX ध्यान से अगर देखिए तो रेड क्रॉसओवर ग्रीन, साथ ही ADX लाइन मीडियन लाइन के ऊपर गिरेगा भी, और वो भी बहुत तेजी के साथ में गिरेगा। कोई फ्रेश पोजीशन नहीं लेनी है, पूरी तरह से अवॉइड करना है। तो सबसे पहला शेयर तो गिर गया। सेकंड बायोकॉन, ध्यान से देखिए, बोनस शेयर रिसेंटली जारी किया शेयर ने एक पर एक, और गिर कहां से रहा है? 306 के लेवल से शेयर कॉन्टिन्यूसली गिर रहा है और सिर्फ ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस का इस्तेमाल करना जानते हैं, ब्रेकडाउन हुआ है वॉल्यूम के साथ, ये वॉल्यूम दिख रहा है आपको, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकडाउन हुआ है शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड। ये जो एक आध दिन आपको ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं, इन्हें डेड कैट बाउंस कहते हैं, इनसे पूरी तरह से दूर रहिए। शेयर लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, दो विकेट तो गिर गए फार्मास्यूटिकल के। और मजेदार चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है, क्या कि बायोकॉन में ये गैप अप बन रखा है, ये आपको दिख रहा है गैप अप, और टेक्निकल एनालिसिस के रूल के मुताबिक हर गैप फिल होता है। सो करंटली ये माना जा सकता है कि बायोकॉन इस गैप को फिल करने के लिए आ रहा है, यानी निचले लेवल्स बायोकॉन के जो हो सकते हैं वो 225 तक आ सकता है बायोकॉन। ओके, करंट लेवल्स पर पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, क्यों? शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है। देन कम्स कैडिलैक। अगर आपको नहीं पता कि इस तरह के ट्रेंड को क्या कहते हैं, तो हमारा वीडियो सीरीज में ट्रेंड एनालिसिस है, एक बार में आप देखेंगे तुरंत जान जाएंगे। फ्रेंड्स, आप में से वो लोग जो लर्न टू अर्न सीरीज देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि कैडिलैक को क्यों अवॉइड करना चाहिए। 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, 50 डेज मूविंग एवरेज के कॉन्टिन्यूसली नीचे, ADX रेड क्रॉसओवर ग्रीन, ADX लाइन मीडियन लाइन के ऊपर, और साथ ही जो ये ब्रेकडाउन हुआ है ना, ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हो रहा है। जब भी कभी शेयर में प्राइस ब्रेकडाउन हो और वॉल्यूम के साथ भी ब्रेकडाउन हो, ऐसे शेयर से पूरी तरह से दूर रहिए, कोई फ्रेश बाई नहीं करना है, बिल्कुल कोशिश भी मत कीजिएगा। तो तीसरा विकेट डाउन, और तीन शेयर्स में से तीन के तीनों प्योर अवॉइड करने हैं फार्मा के। देन कम सिप्ला, बहुत ही जाना माना नाम, और करंटली शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। ये बेसिकली एक कंसोलिडेशन जोन है जिसके बीच में शेयर घूम रहा है, हायर लेवल 611 के और लोअर लेवल्स 520 के, यानी तकरीबन 80 रुपीज़ के बीच में पूरा ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है, और करंटली कंसोलिडेशन जोन के निचले जोन में है शेयर, कंसोलिडेशन जोन के भी निचले जोन में, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे। अगर सिप्ला में कोई कॉल बाय करनी है आपको, तो रिस्की कॉल होगी, 566 के पार निकलता है तो ही फ्रेश बाय करना है, 566 के पार ही फ्रेश बाय करना है, टारगेट 611 के, और वो भी रिस्की कॉल है। वरना शेयर में कोई फ्रेश बाय करने की कोशिश मत कीजिए, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, हाईली वॉलेटाइल है शेयर, पूरी तरह से अवॉइड करना है। देन कम्स डिवीज लैब, सबसे बढ़िया चार्ट था इसका फार्मा के अंदर, लगातार हायर हाई हायर लोज बनाता जा रहा था, शेयर अप ट्रेंड के अंदर था, बट करंटली ऊपरी स्तरों पर शेयर ने लिया एक रेसिस्टेंस जो कि था तकरीबन 1733 के लेवल, और वहां से शेयर गिरना शुरू हो रहा है। सपोर्ट ले रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज के पास में, बट ओवरऑल मार्केट की हालत जो है, और शेयर नहीं निकल पा रहा है 50 डेज मूविंग एवरेज के पार, लगातार डाउन ट्रेंड के अंदर है, इसलिए फ्रेश बाय करने से पूरी तरह से बचना चाहिए डिवीज लैब के अंदर भी। देन कम्स डॉक्टर रेड्डीज। फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शेयर एकेडमी में जब हम किसी भी शेयर की एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम 1-3% के लिए शेयर को बाई नहीं कर रहे हैं। हम जब भी शेयर में बाई करते हैं, हमेशा परसेंटेज लंबा रखते हैं, पोजीशंस लंबी रखते हैं, मिनिमम एक्सपेक्टेशन हमारी 10% के करीब होती है। तो अगर शेयर के अंदर वैसा मूवमेंट नहीं अवेलेबल है और शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है, या आपको लग रहा है सिर्फ 1-2% तक मूव करेगा, तो ऐसे शेयर को हम सिरे से अवॉइड ही करते हैं। ओके,
डॉक्टर रेड्डीज ध्यान से देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट जो कि पहले अप ट्रेंड हुआ करता था वो चेंज होता है और लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया है शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे। बिल्कुल शॉर्ट टर्म में शेयर अप ट्रेंड में आया, जो कि रहा मीडियम टर्म में, माफ कीजिएगा, करीब करीब एक साल तक, जून से लेकर जून तक शेयर अप ट्रेंड में रहा और करंटली अगेन डाउन ट्रेंड में आ गया है, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है। इंपॉर्टेंट एक रेसिस्टेंस जोन था शेयर का, पहले का सपोर्ट जोन अभी बन गया रेसिस्टेंस जोन, जिसके नीचे है शेयर 2621। प्योर अवॉइड करना है, कोई फ्रेश बाय करने की कोशिश नहीं कीजिएगा डॉक्टर रेड्डीज के अंदर, ओके। और देन कम्स ग्लेनमार्क, मेजर ब्रेकडाउन है, पूरी तरह से ब्रेकडाउन है, बहुत ही बुरा चार्ट है शेयर का। ध्यान से देखिए, ऊपरी स्तरों से लगातार गिर रहा है शेयर, वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हो रहा है, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, वन साइड डाउन ट्रेंड है, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है। ल्यूपिन तकरीबन 2 साल हो गए हैं शेयर को कंसोलिडेट होते हुए, जनवरी 18 से शेयर कंसोलिडेट हो रहा है और 1.5 साल होने वाला है, अभी तक कंसोलिडेशन जोन ही चल रहा है, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है ल्यूपिन के अंदर। देन कम्स पिरामल इंटरप्राइजेस, सेम वही कंडीशन है, डाउन ट्रेंड, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे शेयर, कई बार कोशिश की इसने कि 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जा सके, बट हर बार इसे रेसिस्टेंस मिला कहाँ पर, 2935 के लेवल पर, उसके बाद 2678 के लेवल पर, और देन लास्ट में इसे रेसिस्टेंस मिला 2391 के लेवल पर। करंटली शेयर डाउन ट्रेंड में, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, 50 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे और मेजर डाउन ट्रेंड, कोई फ्रेश बाय करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जो ट्रेंड है शेयर का अपने आप में पूरा का पूरा ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड के अंदर है, इसलिए कोई फ्रेश बाय नहीं बनता है। देन कम्स एट लास्ट सन फार्मा, सबसे बुरी हालत है सन फार्मा की, 1000 रुपये से टूटता हुआ शेयर 60% वैल्यू इरोड कर चुका है, करंटली शेयर 386 के आसपास में है, कॉन्टिन्यूसली वन साइड डाउन ट्रेंड है, बीच बीच में कोशिश की 5-10% का अपसाइड दिया, उसके बाद अगेन रिज्यूम कर लिया डाउन ट्रेंड, कोई फ्रेश बाय करने की गलती नहीं कीजिएगा सन फार्मा के अंदर, किसी तरह का कोई फ्रेश बाय नहीं है, पूरी तरह से डाउन ट्रेंड। मज़ेदार चीज़ यह है फ्रेंड्स कि जरा सेशन देखिए, सिर्फ 12 मिनट का, निफ्टी फार्मा के 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10 शेयरों में से 10 के 10 शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर पूरी तरह से अवॉइड करने वाले। आप में से वो लोग जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना इस चैनल को और इस वीडियो को, उन्हें लगेगा कि अगर ये सारे के सारे शेयर्स डाउन ट्रेंड में अवॉइड करने वाले हैं तो फिर बाय करने वाले शेयर कैसे होते हैं, ये भी बता दीजिए। तो ज़रा शेयर का चार्ट ध्यान से देखिएगा, डाउन ट्रेंड के शेयर्स कभी भी बाय करने वाले नहीं होते, हमेशा बाय करने वाला चार्ट होता है ऐसा। ये है बाय करने के लिए कैनफिन होम्स, ऊपरी स्तरों से गिरता है, कंसोलिडेट होता है शेयर, ब्रेकआउट देता है वॉल्यूम और प्राइस का, शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर एक रेसिस्टेंस जोन के पास, नो डाउट, बट वॉल्यूम के साथ शेयर धीरे धीरे रेसिस्टेंस जोन को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। ये है शेयर का चार्ट जो बाय करने लायक है। और बाय करने वाले चार्ट देखने हैं, कैपेसाइट इन्फ्रा, PSP प्रोजेक्ट्स, ये हैं चार्ट जिन्हें आपको करना चाहिए बाय। कैपेसाइट ऊपरी स्तरों से गिरता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, कंसोलिडेट हो रहा है, जब निफ्टी मुंह के बल गिर रहा है एक दिन में 2-2%, तब ये शेयर कहीं भी नहीं हिल रहा, कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर और कंसोलिडेशन जोन के अंदर, ये है शेयर बाय करने लायक। PSP प्रोजेक्ट, डाउन ट्रेंड, राउंडिंग बॉटम पैटर्न और उसके बाद लगातार 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर हायर हाई हायर लोज बना रहा है, ये हैं शेयर्स जो करेंटली बाय करने वाले हैं और ये है पैटर्न जिसे आपको बाय करना चाहिए। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन, सुवेन लाइफ साइंसेज हमने क्यों दिया यहाँ पर? फ्रेंड्स आपने देखा कि ज़्यादातर शेयर जो थे वो डाउन ट्रेंड के अंदर थे, फार्मा के अंदर ये इकलौता शेयर है इस समय जिसका चार्ट बहुत ही शानदार है और जो न केवल लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में, मीडियम टर्म में भी अप ट्रेंड में और शॉर्ट टर्म में भी अप ट्रेंड के अंदर है। अगर कोई शेयर करंट मार्केट में खरीदने लायक है तो वो है सुवेन लाइफ साइंसेज, बट करंट लेवल्स पर नहीं, क्योंकि ये इतना ब्रेकडाउन आ गया है इसलिए करंट लेवल्स पर नहीं, बट जैसे ही मार्केट रिकवर होती है सिर्फ और सिर्फ इकलौता शेयर है सुवेन लाइफ साइंसेज जिसके अंदर की आपको बाय करना चाहिए। फ्रेंड्स इन वीडियोस को बनाने का मकसद है आपको सेक्टर एनालिसिस के बारे में समझाना कि जब हम कहते हैं ऑटो सेक्टर को अवॉइड कीजिए, PSU बैंक्स को अवॉइड कीजिए या फार्मा सेक्टर को अवॉइड कीजिए, तो ये दिखाना कि उस सेक्टर के बड़े बड़े दिग्गज और ज़्यादातर शेयर्स डाउन ट्रेंड के अंदर हैं। इंडिविजुअल शेयर्स अप ट्रेंड में हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा हमेशा होता है, कुछ कुछ शेयर्स सेक्टर को, मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस सेक्टर के सारे शेयर्स में आँख बंद करके खरीदारी शुरू कर देंगे। हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स,
सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमी यानी कि ओवरऑल निफ्टी का हालत क्या है, देन कम सेक्टर एनालिसिस और सबसे लास्ट में आता है इंडिविजुअल शेयर्स। अगर आप इस डिसिप्लिन का पालन नहीं करते हैं तो मार्केट के अंदर आपके लिए रिजल्ट निकालना, प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके लिए सीखने का काम मार्केट में और कोई नहीं करेगा, ये काम आपको खुद ही करना होगा। सीखना होगा, नॉलेज इकट्ठा करना होगा और उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। और हमेशा ध्यान रखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। हमेशा मार्केट के अंदर बड़ा पैसा, अच्छा पैसा, अच्छे शेयर्स में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, बिजनेस मॉडल जिनका अच्छा है, ग्रोथ जिनके पास है, उन शेयरों में लंबे समय में निवेश करने के बाद ही बनेगा। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज का जो ये सेशन है हमारा सेक्टर एनालिसिस का और इसमें भी फार्मा सेक्टर का, ये आपको पसंद आएगा। अगर ये सेशन पसंद आया है फ्रेंड्स तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट्स, और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। शर्त आपको याद है जो हमने पहले बताई थी, वही मिलेंगे आपसे अगले सेशन में जो कि होगा रात में 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का हमारा लाइव सेशन। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।